हेलो दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के इस निःशुल्क स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं हूं गौरव कुमार त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का डिस्कशन कर रहे थे, भारत के विदेशी संबंधों में हमने आखिरी लेक्चर्स में यह देखा था कि किस प्रकार भारत का बांग्लादेश के साथ संबंध निरंतर उतार चढ़ाव बढ़ा रहा। हमने देखा था भारत और बांग्लादेश के संबंधों को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, और इसके बाद हमने यह देखा था कि भविष्य में क्या किए जाने की आवश्यकता है, कि भारत और बांग्लादेश के संबंध किन किन चुनौतियों को दूर करते हुए एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, और हमने उससे रिलेटेड यूपीएससी में संभावित प्रश्नों को भी ध्यान दिया था। आज हम एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी की बात करेंगे जो कि नेपाल है। ठीक है, वर्तमान में एक मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन और नेपाल के बार बार चीनी कार्ड खेलने के कारण नेपाल बहुत ही चर्चा में रहा है, और हाल ही में जब भारत ने अपनी लद्दाख की सीमा रेखा जब पुनर्निर्धारित करते हुए जब नए राज्य का गठन किया, तो नेपाल द्वारा पुनः काला पानी और सुस्ता विवाद को उठाया गया, जो सीमा विवाद है, तो नेपाल वापस भारत के विदेशी संबंधों में एक नया चर्चा का विषय दोबारा से बन चुका है। तो यह एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है जिसमें प्रिलिम्स तथा मेंस दोनों में प्रश्न आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो हम देखते हैं, यह हमारा लेक्चर 6 होगा, और आप पीपीटी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप डॉक्टर रवि अग्रहरी के फेसबुक ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को। तो भारत नेपाल के संबंधों में हम मुख्यतः पृष्ठभूमि एवं विकास, भावी चुनौतियां, ठीक है, सहयोग एवं सुरक्षा और समझौते, और इसके साथ साथ भारत और नेपाल के संबंधों में जो विवाद के मुद्दे हैं, ठीक है, एक विवाद के जो मुद्दे हैं उनको भी ध्यान देंगे, और यह देखेंगे कि किस प्रकार भारत के विदेशी संबंध में इन विवाद के मुद्दों का समाधान बहुत ही आवश्यक है। तो उससे पहले नेपाल को देख लेते हैं, और नेपाल का अगर मानचित्र देखें तो यह साफ दिखता है कि यह चाइना, यानी हम कह सकते हैं तिब्बती संस्कृति, ठीक है, और यहाँ पे भारत, ठीक है, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और तिब्बती संस्कृति का एक बफर क्षेत्र है, या फिर हम कह सकते हैं संश्लेषण क्षेत्र है। ठीक है, अगर हम भू राजनीतिक कीवर्ड्स की बात करें तो यह भारत एवं तिब्बत के बीच न केवल बफर क्षेत्र है बल्कि संस्कृतियों का संश्लेषण क्षेत्र भी है। ठीक है, संस्कृतियों का संश्लेषण क्षेत्र भी है, तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम भारत का एक वैश्विक शक्ति के रूप में देखते हैं भारत को। तो नेपाल के साथ जो संबंध है उनका एक शांतिपूर्ण रहना भारत के एक वैश्विक शक्ति बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर भारत और नेपाल के संबंधों का पृष्ठभूमि एवं विकास और आज़ादी के बाद अगर मुख्यतः 1947 के बाद देखें, ठीक है, तो ऐतिहासिक रूप से भारत और नेपाल सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े हैं। ठीक है, हमने बात की थी तिब्बती संस्कृति और नेपाली संस्कृति का संश्लेषण क्षेत्र है, ठीक है, सॉरी, तिब्बती और भारतीय संस्कृति का संश्लेषण क्षेत्र है नेपाल। ठीक है, तो हम बात करें क्यों संश्लेषण है, तो यहाँ पे देखिए आप मधेशी जो है तराई क्षेत्र में, ठीक है, मधेशी जो यहाँ पे, ये जो देखिए यहाँ पे दिख रहा है तराई क्षेत्र, ठीक है, ये पूरा जो तराई क्षेत्र है अगर जियोग्राफिकल एरिया की बात करें, ठीक है, पहाड़ों से जो उतर के जब नदियाँ मैदानों में आती हैं, तो ये जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर यहाँ पे मधेशियों का निवास स्थल है, और मधेशी भारत के साथ रोटी बेटी का इनका संबंध है। ठीक है, भारत में विवाह संबंध के साथ साथ भारत से आर्थिक व्यवस्था और बाजारों के माध्यम से या ढंग से जुड़े हुए हैं। इसके पश्चात जब हम बात करेंगे 1950 के बाद, तो 1950 की जो भारत और नेपाल के मध्य शांति एवं मित्रता संधि थी वो भारत नेपाल संबंधों की आधारशिला है। आधारशिला क्यों है, क्योंकि इसके माध्यम से भारत में नेपाली नागरिकों को नेशनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, और इस नेशनल ट्रीटमेंट का यह मतलब होता है कि भारत में नेपाली नागरिक न केवल आर्थिक रूप से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं बल्कि सिविल सेवा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में भी केवल आईएएस और आईपीएस, ठीक है, इन दोनों सेवाओं को छोड़ के नेपाली नागरिक भारत में सभी सेवाओं पे शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो भारत में लगभग नेशनल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और एक आंकड़ों के अनुसार लगभग 6 मिलियन नेपाली भारत में नौकरी करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता होगा गोरखा रेजिमेंट पूरी तरह से मुख्यतः नेपाली नागरिकों की है, और यहाँ पे जो हम सिक्किम के पास अगर बात करें, ठीक है, ये जो भारत का मैप है, अगर यहाँ पे सिक्किम है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो गोरखालैंड है वो भी मुख्यतः नेपाली नेपाली मूल के लोगों का ही निवास स्थल है। ठीक है, तो भारत के साथ जो संबंध है वह इस प्रकार डिसाइडेड है कि शांति एवं मित्रता संधि उसकी आधारशिला रखती है,
और उसके बाद एक महत्वपूर्ण अगर हम भौगोलिक तथ्य की बात करें, और ये प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के साथ साथ ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो। आपने लास्ट कुछ ईयर के पेपर देखे होंगे तो यूपीएससी इस प्रकार के प्रश्नों में आजकल बहुत जोर डाल रहा है कि नेपाल भारत के साथ किन राज्यों से कितने राज्यों से जुड़ा, या तो ये पूछ देगा या ये पूछ देगा इसमें से किन राज्यों से नहीं जुड़ा है, और इन चारों नाम को, इन तीनों नाम को दे देगा और एक अदर नाम दे देगा। ठीक है, उड़ीसा दे सकता है ना, या फिर उसके अगल बगल का कोई भी राज्य दे सकता है, असम दे सकता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन कराने का बहुत ही बढ़िया चांस रहेगा यूपीएससी के पास। और आपको ध्यान देना होगा कि ये पांचों राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार, आपको ये पांचों नाम याद होने चाहिए कि नेपाल की सीमा केवल इन पांच राज्यों से भारत से मिलती है। अब जो भारत के साथ नेपाल के संबंध है, ठीक है, ये किस प्रकार उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, इसको ध्यान में रखने के लिए हमें नेपाल के लोकतांत्रिक विकास को समझना पड़ेगा। ठीक है, नेपाल के लोकतांत्रिक विकास को समझना पड़ेगा। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता चलेगा जो हालिया मधेशी विवाद है, ठीक है, जिसने भारत के साथ संबंधों को पुनर्निर्धारित किया है और कहीं ना कहीं खटास पैदा की है भारतीय नेपाल संबंधों में, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विकास से बहुत ही गहराई तौर पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मधेशी आंदोलन को समझने से पूर्व और भारत के साथ जो संबंध है, ठीक है, उसको समझने के लिए हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विकास को एक शॉर्ट तरीके से देख लेना चाहिए। ठीक है, ये डाटा किसी काम का नहीं है, आपको यूपीएससी में नहीं मेंस में ये काम आएगा, नहीं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में काम आएगा, ये बस एक कहानी की तरह आपको समझने के लिए आवश्यक है। तो 1951 में राजा त्रिभुवन द्वारा मंत्रिमंडल प्रणाली वहां पे आरंभ की गई, वहां पे राजशाही और मंत्रिमंडल का मिलाजुला स्वरूप प्रारंभ हुआ, ठीक है, नेपाल में। इसके बाद 1960 में जो तत्कालीन राजा महेंद्र थे, उन्होंने क्या किया, संविधान निलंबित कर दिया और मंत्रिमंडल प्रणाली भंग कर दी और पंचायत प्रणाली, ठीक है, यानी जो भारत में विकेंद्रीकृत जो प्रशासन है भारत की तर्ज पे, उन्होंने भी यह शुरू किया, वहां पे पंचायत प्रणाली प्रारंभ की, यानी मंत्रिमंडल प्रणाली समाप्त, राजशाही प्लस क्या हुआ, पंचायत प्रणाली। इसके बाद पंचायत प्रणाली आरंभ हुई। फिर 1990 के दशक में वामपंथी आंदोलन वहां पे शुरू हुआ, जो कि लोकतंत्र समर्थक था, और आपको पता होगा जो नाम वामपंथी आता है तुरंत यहां से चीन की भूमिका, चीन की बढ़ती भूमिका शुरू हो जाती है, और वामपंथियों का कहीं ना कहीं झुकाव सीधा सीधा चीन की तरफ होता है। और इसी आंदोलन के बाद 1991 में नेपाल में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ जिसमें गिरजा प्रसाद कोइराला पीएम बने। ठीक है, तो पहले लोकतांत्रिक चुनाव में गिरजा प्रसाद कोइराला वहां पे पीएम बने और वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सके, और 1995 में वहां पे माओवादी विद्रोह प्रारंभ हो गया। और आपको पता होगा माओवादी विद्रोह यानी फिर से चीन से लिंकेज, और चीन से लिंकेज और विद्रोह है तो यह सीधी बात है हिंसात्मक होगा। तो नेपाल में बहुत ही तीव्र गति से हिंसा प्रारंभ हुई, लोकतंत्र समर्थक मांग जो है पूरी तरह से हिंसक हो गई। ठीक है, उसके बाद 2001 में शाही नरसंहार हुआ वहां पे, जो तत्कालीन राजा महेंद्र थे उन्होंने न केवल अपनी पति पत्नी बल्कि अपने पूरे खानदान के सभी सदस्यों को मार दिया और खुद भी गोली मार के आत्महत्या कर ली। केवल राजा ज्ञानेंद्र जो उनके चचेरे भाई थे उनके द्वारा और उनके परिवार के द्वारा वापस पुनः राजपाट शुरू किया गया। और 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया, वहां पे संसद को पुनः भंग कर दिया। और संसद आपको पता होगा यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी 1991 में, जो कि 2005 में राजा ज्ञानेंद्र द्वारा पुनः भंग कर दी गई, और वहां पे क्या किया गया, राजशाही को पुनः आरंभ कर दिया गया। लेकिन 2006 में जो वर्षों की हिंसा चली आ रही थी, माओवादी विद्रोह चला आ रहा था, उसके बाद माओवादियों से शांति समझौता हुआ और 2007 में राजशाही को अंत कर दिया गया। ठीक है, वहां पे राजशाही अंत हो गई। अब देखिए यहीं पे एक समझने वाली बात है कि जब जब राजशाही रही है नेपाल में, राजशाही रही है और नेपाल को तत्कालीन तौर पे हिंदू राष्ट्र माना जाता था, राजशाही के दौरान हिंदू राष्ट्र माना जाता था, तो सीधे सीधे भारतीय संबंध नेपाल के साथ बहुत ही मजबूत अवस्था में थे। लेकिन राजशाही का समाप्ति होते ही जब लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू होगी, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप सभी को पता है, जैसे भारत में ही देखें तो विभिन्न प्रकार के हित समूह उभरते हैं, और उन सभी में बैलेंस बनाना राज्य व्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जब प्रारंभ हुई तो क्या हुआ, जो वहां की पार्टियां थी, चाहे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी हो, ठीक है, जो वहां की पार्टियां थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहीं ना कहीं चीनी कार्ड खेलना प्रारंभ किया कि भारत नेपाल में बहुत ही हस्तक्षेप कर रहा है और नेपाल को चीन के साथ संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए।
तो यहीं पे भारत के साथ जो जब राजशाही अंत हुआ है और लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां पे प्रारंभ हुई है, तो कहीं ना कहीं यहीं पे भारत के साथ संबंधों में जो उतार चढ़ाव का दौर हुआ है वो प्रारंभ हुआ है। और वहां पे आपको पता होगा नेपाल पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा अस्थिर राष्ट्रों में से एक रहा है, और 10 वर्षों में 10 के करीब सरकारें वहां पे बदली गई हैं। ठीक है, वहां पे कई बार संविधान बनाए गए, जो कि एक प्रथम जो संविधान सभा बनाई गई थी वो भंग हो गई, उससे उससे जो सभी दल थे वहां पे, जो भी सभी दल थे, किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और एक समझौते पे पहुंचने में वो फेल हो गए। तो इसीलिए प्रथम संविधान सभा को भंग कर दिया गया। उसके बाद 2015 में द्वितीय संविधान अपनाया गया, और यही द्वितीय संविधान की कुछ बातें थीं जिसने भारत के नेपाल के साथ संबंधों को तत्कालीन तौर पे कहीं ना कहीं खटास युक्त किया। तो यह जो हमने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकास समझा, उसमें एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे ध्यान देने योग्य है, ठीक है, बाकी बात केवल एक कहानी की तरह आपको ध्यान रखनी चाहिए, यह है कि द्वितीय संविधान का जब निर्माण हुआ तभी तात्कालिक तौर पर भारत और नेपाल के संबंध इस मधेशी आंदोलन की वजह से थोड़े से प्रभावित हुए। अब इसको हम समझते हैं, पहले मधेशी आंदोलन है क्या और इसने क्यों वहां पे इफेक्ट डाला। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें ये नेपाल को, अगर हम इस तरह से नेपाल को मान लें, ठीक है, यहाँ पे चीन है और यहाँ पे भारत है, यह जो पूरा तराई क्षेत्र है यहाँ पे मधेशी बहुल इलाका है। ठीक है, तो जो नेपाल का संविधान था जो 2015 में अपनाया गया, उसमें आपको पता होगा भारत का भी जब संविधान बना था तो भारत को भी विभिन्न राज्यों में बांटा गया था, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। इसी को ध्यान में रखते नेपाल को भी मुख्यतः 7 प्रांतों में बांटा गया। समस्या यह उत्पन्न हुई कि वह जो 7 प्रांतों का बंटवारा था वह ऊर्ध्वाधर तरीके से हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो मधेशी इन दक्षिण इलाके में बहुमत में थे, यानी बहुल बहुल थे, वो इन 7ों चुनावी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक हो गए, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के लिए, ठीक है, ये जो 7ों इलाके यहाँ पे पड़े, 1, 2, 3, 4, 7 जो भी पड़े मधेशी इस क्षेत्र में थे, और इन 7ों क्षेत्रों में जब वो चुनावी क्षेत्र का बंटवारा हुआ, परिसीमन हुआ, तो वो सब जगह अल्पसंख्यक हो गए और कहीं ना कहीं उनके नागरिक अधिकारों को चोट पहुंची। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चुनावी क्षेत्र के पुनर्बंटवारे हेतु एक तरह से हिंसक मांगे आरोपित कर दी, और आपको पता होगा इससे क्या हुआ, संविधान टालने की उन्होंने मांग शुरू कर दी, और संविधान टालने की मांग को लेकर उन्होंने हिंसक आंदोलन किया, और उसे तत्कालीन तौर पे ये जो सीमा है यहाँ पर आवाजाही बंद हो गई, और वहाँ पे पेट्रोलियम और अन्य जो जरूरी वस्तुओं का अभाव हो गया। तो नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह कहा, जो कि ओली जी थे, उन्होंने यह कहा कि भारत द्वारा आर्थिक नाकेबंदी की गई है, और आर्थिक नाकेबंदी को उन्होंने कहा कि भारत द्वारा आर्थिक नाकेबंदी तो कर दी गई है, अब यह उपयुक्त समय है कि हम चीन की ओर ध्यान में देखें। और यही जो मधेशी आंदोलन है, इस मधेशी आंदोलन ने कहीं ना कहीं नेपाल में चीन का प्रभाव अधिक बढ़ाया, और चीन का प्रभाव बढ़ते ही भारतीय विदेशी संबंध एक तरह से पुनर्निर्धारित होने प्रारंभ हो गए। ठीक है, तो आपको यह समझ में आया होगा कि मधेशी आंदोलन जो है वह नेपाल के साथ जो भारतीय संबंध है इसको निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और इसी ने जो वर्तमान में जो थोड़े से खटास भरे संबंध थे इसकी भूमिका कहीं ना कहीं निर्धारित की। उसके बाद अगर हम बात करें एक विवाद के बाद, अभी हमने विवाद देखा थोड़ा सा कि मधेशी आंदोलन क्या, हमने मुख्यतः यह समझा कि मधेशी आंदोलन के साथ साथ भारतीय विदेशी संबंध किस प्रकार उतार के दौर में आ गए वापस। हम देखते हैं कि नेपाल और भारत के मध्य सहयोग के कौन कौन से बिंदु हैं। देखिए यूपीएससी में जब भी प्रश्न आएगा, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक बातें भी लिखनी होती हैं और कुछ नकारात्मक बातें भी लिखनी होती हैं। जैसे अगर एक प्रश्न आ गया यूपीएससी में कि हाल में ही ऐतिहासिक संबंधों के बावजूद, ठीक है, नेपाल के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों के बावजूद अगर हाल में ही संबंध उतार चढ़ाव बढ़े रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं चीनी प्रभाव की महत्वपूर्ण भूमिका है, चीनी कारक या फिर कह सकते हैं चीनी प्रभाव की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, विश्लेषण करें अगर इस प्रकार का एक प्रश्न आ गया, तो आपको यह ध्यान होगा कि आपको यह जरूर बताना होगा कि भाई हमारे संबंध जो है ऐतिहासिक रूप से मधुर हैं, तो उसमें आप थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जा सकते हैं, उन बिंदुओं को लिख सकते हैं। फिर आपने बताना होगा कि भारत और नेपाल के संबंध वर्तमान में भी सहयोग के विभिन्न पक्षों को शामिल करते हैं, और उसके बाद आपको विवाद के मुद्दे या न केवल मधेशी आंदोलन जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, बल्कि आने वाले जो आने वाली अभी स्लाइड है, जो लेक्चर है, इसमें हम अन्य विवाद के मुद्दे जिसमें सीमा विवाद है और आर्थिक रूप से जो निवेश का विवाद है,
इसको भी समझेंगे और इसको भी लिखने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम बात करें सहयोग की, तो नेपाल और भारत सुरक्षा सहयोग से जुड़े हुए हैं, यानी भारत ने नेपाली सेना के आधुनिकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई है। ठीक है, भारत जो नेपाली सेना है, ठीक है, नेपाली आर्मी है एनए, उसको प्रशिक्षण प्रदान करता है और हथियार भी प्रदान करता है। और हथियार प्रदान करने की जो संधि है वो 1950 की शांति एवं मित्रता संधि है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है, प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेट एवं यूपीएससी के लिए इसको जरूर ध्यान रखें, सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास होता है भारत और नेपाल के मध्य। और 2019 में यह पिथौरागढ़, उत्तराखंड में एक जगह है पिथौरागढ़, यहां पे आयोजित किया गया। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। प्रश्न में यह पूछ सकता है कि 2019 का अभ्यास कहां पे किया गया था, या फिर निश्चय ही एक मैच द कॉलम दे सकता है और भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ है उनके सैन्य अभ्यासों को एक तरफ दे सकता है और दूसरी तरफ देशों का नाम दे सकता है। आपको मैच कराना होगा कि कौन सा उत्तर सही है। तो इस प्रकार यह भी एक प्रश्न बन सकता है। और आपको पता ही है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि गोरखा रेजिमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है, भारत की सुरक्षा में। तो यहां पे हम सुरक्षा सहयोग इस प्रकार से सम्मिलित कर रहे हैं। इसके बाद जल संसाधन सहयोग, हमने जब मैप देखा है नेपाल का तो हमने यह समझा है कि नेपाल से आने वाली, देखिए यहां पे कर्णाली नदी, ठीक है, एक बार हम इसको और मैप को साफ करके और देखते हैं ढंग से। ठीक है, ये देखिए, यह जो कर्णाली रिवर है, इसके बाद ये काली रिवर है और यहाँ पे त्रिशूल रिवर है। ठीक है, तो ये सब जो नदी है, ये सब नदियां भारत में भी आती हैं। आपको पता होगा गंडक, कोसी, घाघरा, ये सब नदियों का जो उद्भव स्थल है वो नेपाल, नेपाली हिमालय है, और वहां से यह भारत में प्रविष्ट होती हैं। ठीक है, तो एक जल संसाधन में एक सहयोग की महत्वपूर्ण जो भूमिका है वह जल संसाधन की भी है। लगभग 250 साझी नदियां हैं भारत और नेपाल के मध्य। और आपको पता होगा नदियों की संभावनाएं क्या है, तो सिंचाई तथा जल विद्युत संसाधन नदियों में भरपूर मात्रा में है, और यहीं पे जो है सहयोग की एक प्रमुख भूमिका तैयार होती है। और भारत का महाकाली नदी पर पंचेश्वर परियोजना, अरुण परियोजनाएं, ठीक है, इसके बाद सप्तकोसी, आपको पता पंचकोसी, और बहुत ढेर सारी जो परियोजनाएं, आपको इसको देखना चाहिए कि भारत और नेपाल के मध्य कौन कौन सी जल विद्युत जो परियोजनाएं वो प्रारंभ है। तो भारत द्वारा ये परियोजनाएं वहां पे चलाई जा रही हैं। और इस जो परियोजनाएं, इनके सहयोग के लिए 2008 में एक त्रिस्तरीय तंत्र स्थापित किया गया जो यह निर्धारित करेगा कि कहां कहां पर सहयोग के बिंदु होने चाहिए, ठीक है, और कहां कहां पर हम जो है जल विद्युत को निर्धारित कर सकते हैं, कहां कहां पर हम सिंचाई के संसाधनों को क्रिएट कर सकते हैं, और बांधों का निर्माण स्थल कहां होना चाहिए, और इंजीनियरिंग की जो भी तंत्र है वो सभी 2008 में स्थापित किए गए। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आपको याद रखना चाहिए अगर नदी जल संबंधों पर प्रश्न पूछे। देखिए यूपीएससी में कभी प्रश्न सीधे सीधे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि नेपाल के साथ भारत के जल संसाधन के जो संबंध हैं उनको विश्लेषण करें, वह कहीं ना कहीं पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को जोड़ के प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न मैं एक बता दे रहा हूं, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को निर्धारित करने में जल संसाधनों का एक महत्व है, ठीक है, विश्लेषण करें। तो हमने आखिरी लेक्चर में बांग्लादेश के साथ देखा था कि किस प्रकार बांग्लादेश के साथ जल संबंध, चाहे वो फरक्का से बैराज हो या फिर बराक नदी पे तिपाईमुख परियोजना हो, हमने उसको देखा था, आपको उसको चर्चा करनी होगी, बल्कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और चीन के साथ और जो भी देश हैं जो भारत के समीपस्थ हैं और जो साझी नदियां शामिल करते हैं, साझा करते हैं, ठीक है, तो उनके साथ आपको संबंधों को जरूर चर्चा करनी होगी। तो यह हम समय आने के साथ देख लेंगे, अभी वर्तमान में हम नेपाल का देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद विद्युत सहयोग है। विद्युत सहयोग में एक महत्वपूर्ण जो बात है कि 1971 का जो पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट है वह यह कहता है कि भारत और नेपाल एक दूसरे के ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी जो पूरा जो क्षेत्र है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, नेपाल यहां से कनेक्शन जोड़ सकता है और जो जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है वह भारत को बेच सकता है, और भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में न केवल नेपाली क्षेत्र के ट्रांसमिशन का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो ये 1971 का एक समझौता है। और उसके बाद 2014 में भारत और नेपाल के मध्य इलेक्ट्रिक पावर ट्रेड एंड ट्रांस बॉर्डर मिशन पर समझौता हुआ है। देखिए ये भी एक प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि हाल में ही भारत द्वारा इलेक्ट्रिक पावर ट्रेड एवं ट्रांस बॉर्डर मिशन पर समझौता किसके साथ हुआ है।
तो आपको पता होगा पिछली जो 2019 का प्रीलिम्स पेपर हुआ था, इसमें भारत का जो है जापान के साथ और रूस के साथ ऑप्शन में परमाणु समझौते का जो नाम है वो ऐसे ही डिटेल में नाम दिया हुआ था, और पूछा था यह समझौता भारत का किसके साथ हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है अगर हम सिमिलर पैटर्न को फॉलो करें तो। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान दें, एक बार दिमाग में जरूर रखें इसको। इसके बाद आर्थिक सहयोग की बात करें, तो व्यापार की बात करें आर्थिक सहयोग में, तो भारतीय कंपनियां नेपाल की सबसे बड़ी निवेशक है, न केवल ITC बल्कि विप्रो जैसी जो कंपनियां हैं। ठीक है, नेपाल में एक प्रमुख प्रमुख निवेश करता है, और टोटल FDI का 40% भारत से जाता है। इसके 100% पेट्रोलियम के लिए नेपाल भारत पर ही निर्भर है, और यही पेट्रोलियम ही यानी ऊर्जा सुरक्षा ही कहीं ना कहीं मधेशी आंदोलन के दौरान ठीक है खटास का कारण बनी थी। तो 100 जो आर्थिक सहयोग है, आप देखेंगे आर्थिक कारक कहां पर संबंधों को निर्धारित कर रहा है, तो आर्थिक कारक में जो ऊर्जा सुरक्षा है वह भी भारत और नेपाल संबंधों को प्रभावित करती है। इसके बाद भारत नेपाल को कोलकाता बंदरगाह का प्रयोग करने की पूरी अनुमति देता है, जो यह नेपाली क्षेत्र है, यहां से इस पूरे क्षेत्र से कोलकाता तक आप सामान ले आइए और यहां पर विदेश में आप सामान बेच सकते हैं। और वर्तमान में जो पारादीप है उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह, उसके साथ बातचीत चल रही है कि नेपाल को इसके भी प्रयोग की अनुमति दी जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ भारत नेपाल को बजट अनुपालन यानी जो नेपाल की योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए बजटीय सहायता भी प्रदान करता है। ठीक है, हर साल हर वर्ष बजट में 300 करोड़, 400 करोड़ या 500 करोड़ भारत नेपाल के लिए आवंटित करता है। इसी बात कनेक्टिविटी की बात करें भारत और नेपाल के मध्य, तो आपको पता होगा खुली सीमा है। ठीक है, और यही एक कहीं ना कहीं सुरक्षा चुनौतियों को जन्म देती है। खुली सीमा है तो आतंकवादी भी आ सकते हैं। ठीक है, लोग तो आ ही जा ही रहे हैं लेकिन आतंकवादी भी आ सकते हैं, तो खुली सीमा है कनेक्टिविटी में। जयनगर जनकपुर रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा है, और 2017 में दिल्ली तथा कोलकाता से काठमांडू रेल लिंक प्रस्तावित किया गया है, जो अभी एक तरह से हम कह सकते हैं योजना के चरण में है। ठीक है, अभी यह प्रस्तावित किया गया 2017 में दिल्ली और कोलकाता से काठमांडू के मध्य। और इसके बाद BBIN मोटर वाहन समझौते में भारत ठीक है बांग्लादेश भूटान इंडिया और नेपाल, ये जो BBIN ग्रुप है ठीक है, इसके मोटर व्हीकल एग्रीमेंट में नेपाल भी शामिल है, और ये हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि BBIN ग्रुप किस प्रकार कार्य करता है। और हाल में ही मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन शुरू की गई है, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत के किस देश के साथ है, और ऑप्शन में बांग्लादेश भी देके कंफ्यूज करा सकता है। तो हम देख लेते हैं एक बार, मोतिहारी भारत का क्षेत्र है बिहार में, और अमलेखगंज नेपाल का तराई क्षेत्र है। ये लगभग 69 किलोमीटर की पाइपलाइन है। देखिए UPPCS और MPPCS जैसे एग्जाम जो कि आने वाले हैं, इसमें यह डाटा भी पूछ सकता है कि कितने किलोमीटर की है, तो ऑप्शन में दे देगा 69, 70, 71, 72। तो आपको यह भी डाटा, अगर आप PCS एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो यह भी डाटा आपके लिए आवश्यक है। इसमें 324 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए, और 2 मिलियन टन मोटर फ्यूल वर्ष भर में यहाँ पर भेजा जा सकता है इस पाइपलाइन के माध्यम से मोतिहारी। इसका महत्व क्या होगा? इसका महत्व यह होगा कि नेपाल के लिए यह पेट्रोल का जो प्राइस है वो कम कर देगा, इसके बाद मिलावट भी कम हो जाएगी, और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि कोई भी नाकेबंदी नहीं हो सकती, यानी हमेशा अगर भारत चाहेगा ठीक है भारत चाहेगा तो कोई भी नाकेबंदी नहीं हो सकती, और उनकी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। ठीक है, इसे भारत नेपाल मैत्री संबंधों के लिए एक बहुत बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, और यह भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो यह नेपाल के साथ जो भारत के संबंध है उनको और गहराई प्रदान करेगा, और एक बढ़िया कस्टमर भी भारत के इंडियन ऑयल को मिल जाएगा। ठीक है, तो सहयोग की बात अब हम समाप्त कर चुके हैं। सहयोग के हमने विभिन्न पक्षों को देखा, आर्थिक सहयोग, सुरक्षा का सहयोग, जल संसाधन सहयोग। ठीक है, और आपको यह पता होगा, और जब हम विदेशी संबंधों में देखते हैं तो जो सहयोग के मुद्दे हैं वही कहीं ना कहीं विवाद के मुद्दे भी बनते हैं। अगर सहयोग के मुद्दों में सही से कार्य नहीं हो पा रहा है तो वही कहीं ना कहीं विवाद के मुद्दे भी बनते हैं। तो हम बात करेंगे विवाद के मुद्दे, वो कहीं ना कहीं सीमा विवाद एक महत्वपूर्ण विवाद है। ठीक है, तो देखिए ये हमने जो बात की, अभी हमने जो मैप देखा नेपाल का, ठीक है, इसमें देखिए ये भारत नेपाल के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है, और अगर आप UPPCS और State PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप कृपया करके कितनी किलोमीटर लंबी सीमा है इसको भी ध्यान दें। ठीक है, और भारत की नेपाल के साथ सीमा
एक हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पे कितने नंबर पे आती है, इसको भी ध्यान दें। तो देखिए ये एक लंबी सीमा है और लंबी सीमा होने के कारण थोड़े थोड़े से विवाद उत्पन्न होते हैं, सीमाई विवाद उत्पन्न होते हैं। और भारत और नेपाल के मध्य एक आंकड़ों के अनुसार लगभग 98% सीमा रेखा विवादों के बिना है, यानी विवाद वहां पे समाप्त हो चुके हैं, निर्धारित हो चुकी है। जो यह क्षेत्र है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है नेपाल के साथ सीमा का, ये विवादित क्षेत्र है और इसको कालापानी क्षेत्र कहते हैं। नेपाल इसको कालापानी क्षेत्र कहता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए है क्योंकि कालापानी विवाद हाल में पुनः चर्चा में आ गया, जब नेपाल ने इसको उठाया भारत के संबंध में। जो नेपाल की जो पार्टियां हैं, लोकतांत्रिक दल है, उन्होंने उठाया कि भारत अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है और नेपाल अपनी 1 इंच जमीन भी भारत को नहीं देगा। अब समझते हैं ये विवाद है क्यों। तो देखिए 35 वर्ग किलोमीटर का ये विवाद है और महाकाली नदी द्वारा सीमांकित होती है। असल में जो ब्रिटिश काल में, जब हमने इतिहास पढ़ा होगा तो देखा होगा, ब्रिटिश काल में सुगौली की संधि हुई थी और सुगौली की संधि में यह निर्धारित हुआ था कि भारत और नेपाल की जो पश्चिमी सीमा होगी वह काली नदी के द्वारा रेखांकित होगी। अब आपको पता है क्योंकि यह नेपाली सॉरी काली नदी जो है ये पहाड़ी नदी है और पहाड़ी नदी वर्ष भर रास्ता परिवर्तित करती रहती है और रास्ता परिवर्तन ही इस विवाद का प्रमुख कारण है। अब देखिए बात क्या हुई, जो हम विवाद का अगर तत्कालिक कारण देखें तो ये सीमा है, ठीक है, ये जो नेपाल अपनी जो क्षेत्र बताता है, ठीक है, इस सीमा को लेके जो विवाद है, ये पूरा एरिया विवादित है। 35 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा एरिया है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि इसका महत्व तो क्या है। देखिए ये पता होगा, ये भारत है, ये नेपाल है और ये चाइना है, तो ये ट्राई जंक्शन पे एक क्षेत्र है और ये क्योंकि ऊंचा इलाका है तो चाइना पे नजर रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। तो इस क्षेत्र का भारतीय सुरक्षा पर बहुत ही गहरा प्रभाव है, तो इसीलिए भारत इसको देना नहीं चाहता है। और नेपाल का यह कहना है कि जो 1962 का युद्ध हुआ था उसके पूर्व यह क्षेत्र नेपाल के कब्जे में था और भारतीय सेना को नेपाल ने उस समय चीन के डर के कारण प्रदान किया था कि आप लीजिए और थोड़ी सी हमारी रक्षा कीजिए। और भारत ने उसके बाद इस क्षेत्र से अपने सैनिक हटाए नहीं और अभी भी वर्तमान में भारतीय पोस्ट यहाँ पे तैनात है। तो यह विवाद समाधान के लिए जो तंत्र है वो कार्य कर रहा है और बातचीत के माध्यम से इन मुद्दों को जरूर सुलझाया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सीमा विवाद पे एक प्रश्न आ ही सकता है और यूपीएससी में ऐसे में भी पूछ चुका है कि सीमाओं का जो प्रबंधन है उस पर भी ऐसे पूछ चुका है, तो आप यहाँ पे कुछ विवादों की भी चर्चा कर सकते हैं। और साथ ही साथ पड़ोसी देशों के साथ अगर सीमा विवाद पर प्रश्न पूछे तो आप उसकी भी चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के बाद एक दूसरा क्षेत्र है, बस थोड़ा सा दूसरा विवाद है, सुस्ता क्षेत्र। सुस्ता क्षेत्र मध्य दक्षिण भाग में है, ठीक है, ये मध्य एरिया और ये दक्षिण भाग में है। यहाँ पर मुख्यतः विवाद का प्रमुख कारण वापस हिमालयी नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है। तो जो गंडक नदी है वो जब कोर्स चेंज करती है तो वह जो पुराना क्षेत्र है वहां से चेंज हो जाती है और बॉर्डर क्योंकि नदियों द्वारा निर्धारित होता है तो यह क्षेत्र पूरा विवादित हो जाता है, ठीक है। तो यह विवाद सुलझाया जाना चाहिए। अब बात करेंगे हम भारतीय नेपाल संबंधों में चुनौतियां क्या क्या हैं। एक झटके में हम चुनौतियों को देखते हैं, तो सबसे बड़ी बात, नेपाली राजनीति एक प्रमुख चुनौती है। आपको पता होगा जो माओवादी दल है, ठीक है, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका कहीं ना कहीं जो वर्तमान में जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, उनका कहीं ना कहीं सीधे झुकाव चीन की ओर है, ठीक है। आंतरिक राजनीति में बार बार भारत को घसीटा जाता है, ठीक है, न केवल मधेसी विवाद में बल्कि आपको पता होगा जब भी कोई पार्टी वहां पे इलेक्शन लड़ती है तो भारत एक प्रमुख मुद्दा होता है उनके आंतरिक इलेक्शन में, ठीक है। तो ये एक बात हो गई नेपाली राजनीति प्रमुख चुनौती है कि भारत किस प्रकार सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लेके चल सके और अपने पक्ष में कर सके। दूसरा है जल संसाधन सहयोग। जल संसाधन सहयोग हमने बात की थी कि जल संसाधन सहयोग पर एक त्रिस्तरीय तंत्र, ठीक है, त्रिस्तरीय तंत्र कार्यरत है, लेकिन भारत की जो परियोजनाओं की जो वहां पे निर्माण क्षमता है वो बहुत ही धीमे है। कोसी गंडक और सप्त कोसी जैसी जो परियोजनाएं हैं बहुत ही समय से लंबित है, आप कह सकते हैं 30-40 साल हो गए कई परियोजनाओं को इतने समय से लंबित है और भारत द्वारा सकारात्मक कार्य नहीं किए जाने के कारण वर्तमान में नेपाल इन जल संसाधन सहयोग में चीन के साथ सहयोग बढ़ा रहा है और हाल में ही चीन द्वारा प्रमुख परियोजनाओं को वहां पर स्वीकृति प्रदान की गई है। तो यह भारत के न केवल सुरक्षा निहितार्थों को भी जन्म देता है, ठीक है, जब चीन की भूमिका बढ़ेगी तो यह भारत के एक सुरक्षा निहितार्थ भी स्पष्ट रूप से निर्धारित करेगा। तो परियोजनाएं लंबित है, हम कहते हैं कि ये कई बार एक नारा भी दिया जाता है भारत के पड़ोसी देशों संबंधों के में कि
इंडिया प्रोमिसेस बट चाइना डिलीवर्स, तो भारत प्रॉमिस ही करता रह गया और अभी तक सप्तकोसी गंडक कोसी जैसी परियोजनाएं अभी तक निर्मित नहीं की गई। और आपको पता होगा कि चीन द्वारा तत्काल परियोजनाओं का जो निर्माण है वो करते हुए वहां पे अपनी भूमिका बढ़ाई जा रही है। इसके बाद भारत में हालिया में जो एक चुनौती उभर के आई कि सैन्य अभ्यास जो मिलेक्स 2018 था उसमें नेपाल ने शामिल होने से मना कर दिया। और ये जो सैन्य अभ्यास मिलेक्स है वो बिम्स्टेक देशों के साथ भारत का सैन्य अभ्यास था, और नेपाल ने अपने यहाँ पे जो सैनिक आए हुए थे उनको वापस नेपाल बुला लिया। तो संबंधों में एक पुनः देखा गया कि कहीं ना कहीं खटास के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये चुनौतियां, इनका समाधान होना चाहिए। और एक जो प्रमुख चुनौती उभर के आती है, चीन का प्रभाव। ये हम चीन के साथ जब संबंधों को पढ़ेंगे तब तो डिस्कस करेंगे ही, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी हमारा यह पॉइंट रह गया है। इसको जब हम चीन का डिस्कशन करेंगे तो सारे क्षेत्रों का एक कॉमन लेके डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हाल में ही चीन के साथ युद्धाभ्यास शुरू किया गया 2016 में। इसको सागर माथा फ्रेंडशिप का नाम दिया जा रहा है। भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय है कि चीन जैसे दुश्मन देश के साथ नेपाल जैसा दोस्त राष्ट्र कहीं ना कहीं सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। माओवादी जो सरकार है नेपाल की, वह चीन के साथ घनिष्ठ संबंध रखी है। हमने बात कर ली कि प्रधानमंत्री जो ओली के संबंध है चीन के साथ, उनका स्पष्ट झुकाव है चीन की ओर। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का है, वन बेल्ट वन रोड भी जिन्हें हम कहते हैं, उसमें नेपाल सीधे सीधे समर्थन की भूमिका में है। और हाल में ही चीन तिब्बत रेल लिंक के लिए समझौता किया गया है, और जब चीन तिब्बत रेल लिंक बन जाएगा तो आपको सीधे सीधे पता है यहाँ पे तिब्बत काठमांडू रेल लिंक है, सॉरी इसको सही कर लें, तिब्बत काठमांडू रेल लिंक जो है जब यह निर्मित हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक सुरक्षा चुनौती प्रारंभ कर देगा, क्योंकि चीन का भारत में नजर रखना, एक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, एक पतला सा जो चिकन नेक है यहाँ पे, इस पे नजर रखना चीन के लिए आसान हो जाएगा। और हाल में ही जब ऊर्जा संकट चीन में आया, नेपाल में आया, तो चीन ने कई बंदरगाहों को उपयोग करने की अनुमति दे दी, तो इसने भी चुनौतियों को जन्म दिया है। ठीक है, अब आप एक अभ्यास प्रश्न को सॉल्व कर लें। हमने नेपाल के साथ चुनौतियों को समझा। जो चुनौतियों का समाधान है वह समाधान इसी प्रकार है कि सभी विवादों को सामंजस्यपूर्ण से सुलझाया जाना चाहिए। भारत को वहां पे निवेश में वृद्धि कर देनी चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। ये सभी जो बिंदु हैं सहयोग के, और जो सभी बिंदु हमें निष्कर्ष में लिखने हैं, ठीक है, और चुनौतियों का जो समाधान है वो हम एक ही बार सारे पड़ोसी देशों के संदर्भ में समझेंगे, तो हमारा सिलेबस भी समय से कंप्लीट हो पाएगा और हम उलझेंगे नहीं। ठीक है, तो हमने विभिन्न चुनौतियों को देखा, हमने विभिन्न सहयोग के मुद्दों को देखा, और इसके बाद हम एक प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे जिससे हमारा नेपाल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रश्न है, ऐतिहासिक काल से नेपाल भारत के प्रभाव में रहा है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए कि नेपाल में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप से भारत किस प्रकार प्रभावित होगा। तो आपको पूरा सुरक्षा, नेतार्थ, ठीक है, आर्थिक प्रभाव, ठीक है, भारत की वैश्विक कूटनीति में प्रभाव, ये सब आपको एक एक करके बिंदु लिखने हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही आप अगर घर बैठे तैयारी करने के इच्छुक हैं तो आप पूर्वांचल आईएएस का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और यदि आप गोरखपुर में ही हैं तो आप पूर्वांचल आईएएस के फेस टू फेस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।